वैसे लोगों को मुंह कुचल देंगे, मुंह जो फन उघाड़ा तो फन कुचल देंगे, जो इस देश के राष्ट्रवाद पर, इस देश के संस्कृति पर किसी ने आंख दिखाने का प्रयास किया तो उसको कुचल के रख देगी सरकार। उन्हीं को घर में ला के बिठाए पीएफआई को, उन्हीं के प्रोटेक्शन में, वैसे लोगों के प्रोटेक्शन से राजनीति करते हैं और उनको पता नहीं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, उनकी मति मारी गई है। आरएसएस एक त्यागियों की संस्था है, स्ट्रगलरों की संख्या ये संगठन है। सैकड़ों वर्ष से तप और तपस्या करके जिसने जीवन दान दे दिया, ये जीवनदानियों का संस्था है और अपने संस्कृति को अक्षुण रखने के लिए, राष्ट्रवाद को अक्षुण रखने के लिए, नेशन को बनाए रखने के लिए और बढ़ाते रहने के लिए ये कटिबद्ध है। इसको जो कोई पीएफआई से जोड़ के देखता है वह मानसिक रूप से ग्रसित हो गए हों या उनका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं। आरएसएस भी देश की सेवा करता है, पीएफआई भी अपने लोगों की मदद करता है, तो उसका आतंकवादी बोलने का आधार क्या है? नहीं, कोई आधार नहीं है, उसको घर में बिठाया जाए, उनको घर में बिठाए। हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है, वैसे लोगों को मुंह कुचल देंगे, मुंह जो फन उघाड़ा तो फन कुचल देंगे, जो इस देश के राष्ट्रवाद पर, इस देश के संस्कृति पर किसी ने आंख दिखाने का प्रयास किया तो उसको कुचल के रख देगी सरकार, और कुचलने का ही दूसरा नाम आरएसएस है। अच्छा, तो ये लगातार जगता बाबू इस तरह की बातें बोलते हैं, उन्होंने तो एक बात और बोली, नीतीश बाबू आए देशी को सपोर्ट करो। ये तरह तरह के भाषा को बदलते हैं, ये बुला रहे होंगे कि आइए अब कुछ हमारे पार्टी को, हमारे नेताओं को माल मुद्रा कम गया है, आप आइए और सरकार बनाइए, कुछ माल मुद्रा कमवाइए तो काम चले, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक है? एनडीए में ठीक ही रहता है, एनडीए में तो ठीक है और ठीक रहता ही है, फिर आगे समय देखिए।